बिहार विधानसभा चुनाव में बेहद खराब प्रदर्शन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुसीबत बढ़ा दी है। यही वजह है कि वो अब पार्टी को मजबूती देने की कोशिशों में जुटे हैं। वो ऐसा दाव खेलने जा रहे हैं जो जातीय समीकरण बैठाने के साथ बीजेपी के सामने भी जेडीयू को मजबूती के साथ खड़ा कर सकता है। देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश जीत के बड़े बड़े दावे कर रहे थे, जेडीयू की मजबूती की बात कर रहे थे, लेकिन जब नतीजे सामने आए तो नीतीश के दावे धरे के धरे रह गए। वो फिसल कर तीसरे स्थान पर आ गए, लेकिन बीजेपी की मेहरबानी से वो सीएम कुर्सी पर काबिज जरूर हो गए, मगर अब भी कुर्सी खिसक सकती है, बीजेपी कभी भी दगा दे सकती है। इस बात को सीएम नीतीश अच्छे से समझते हैं, इसीलिए वो पार्टी को मजबूत बनाने की कवायद में जुटे हैं। नीतीश की कोशिश है कि जेडीयू में कुछ ऐसे नेताओं की फौज तैयार की जाए जो आने वाले समय में जेडीयू को मजबूती प्रदान कर सके। नीतीश की पार्टी मजबूत स्तंभ माने जाने वाले सवर्ण समुदाय के नेताओं को आगे बढ़ाने की तैयारी की जा रही है, खासकर भूमिहार और राजपूत नेताओं का कद बढ़ाने की योजना है। इसके साथ ही दलित और अति पिछड़ा के साथ मुस्लिम चेहरे की खोज भी तेज है। पार्टी के जरिए कुछ ऐसे नेताओं के नाम आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है जिन पर आने वाले समय में जेडीयू की बड़ी जिम्मेदारी आ सकती है। जेडीयू अभी तक अति पिछड़ा और दलित के साथ साथ सवर्ण और कुशवाहा राजनीति करती आई है, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में जेडीयू को अपने पुराने समीकरण का जबरदस्त झटका लगा है। नीतीश कुमार लगातार समीक्षा बैठक करके चुनावी हार जीत का आंकलन कर रहे हैं। आंकलन में ये उभर कर आ रहा है कि जेडीयू में कई जातियों के किसी भी नेता को उभरने का मौका नहीं मिल पाया, जिसका नतीजा चुनाव परिणाम पर पड़ा है। ऐसे नेता जेडीयू को अपने जाति का भी वोट नहीं दिलवा पाए। यही वजह है कि नीतीश कुमार अब जातीय समीकरण बैठा कर जेडीयू को मजबूती देने में जुटे हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।